बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा की शादी। अस्करआबाद की गलियां तारीकी में डूबी हुई थीं। अतराब के छोटे छोटे मकानों से खिड़कियों के रास्ते हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। कुछ अरसा पहले ये बियाबान था, फिर जिससे भी मुमकिन हो सका कच्ची ईंटों से एक दो कमरे बना लिए, फिर चार दीवारी खींच कर रहने लगे। अली आका ने भी 2000 तोमान में एक ज़मीन खरीद ली थी और 3000 तोमान खर्च करके 2 कमरे बना डाले थे। अस्करआबाद की आबादी इस तर्ज पर रोज़ाना बढ़ती चली जा रही थी। आका अब्दुल्ला बस से उतरकर बाकी मानदार रास्ता पैदल ही अली आका के घर की तरफ चल पड़े। इसी तरफ के मकानों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी। अली आका ने एक लालटेन जलाकर रख दी थी। आका अब्दुल्ला वहां पहुंचे, सबसे पहले मिर्ज़ा ने बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। आका अब्दुल्ला ने उन्हें गले से लगा लिया। उनके चेहरे पर हल्की मीठी मुस्कुराहट तैर रही थी। वो बोले, हुदा मुबारक करी। मिर्ज़ा खामोश रहे, हाथ से बैठने के लिए इशारा किया। आंगन में एक तरफ फर्श बिछाया गया था, कुछ लोग वहां शम्मा की रोशनी में बैठे हुए थे। आका अब्दुल्लाह भी उन्हीं के बीच जा बैठे। मेहमानों की तादाद 2 हिंदुस्तों तक नहीं पहुंचती थी। मिर्ज़ा के भाई मोहम्मद अब 10001 और उनके मामू हुसैन के अलावा और कोई नहीं था। दोस्तों में से सिर्फ शकाफी हाजिर थे, 2-3 नज़दीकी रिश्तेदार भी। मिर्ज़ा के भाई मोहम्मद अहमद और उनके मामा हुसैन के अलावा और कोई नहीं था। तो 3 नज़दीकी रिश्तेदार भी शरीक हो गए थे। अली आका की इक्तिसादी हालत ऐसी न थी कि दूसरी शादियों की तरह वहाँ भी शान शौकत के सामान मुहैया करते। शायद मिर्ज़ा के अलावा कोई दूसरा इतनी सादगी से शादी करना पसंद न करता। उनकी माँ ने भी कोई मुतालबा नहीं किया था। शायद कोई पसंद ना करता कि इस तर्ज के जश्न में किसी को मधु करे, लेकिन वो मिर्ज़ा थे जिन्हें ऐसी बातों की कोई परवाह न थी। अली आका का लड़का हाथ में चाय की सीनी लिए मेहमानों की ज़ियाफ़त कर रहा था। ख़वातीन कमरे में जमा थी, उनकी तादाद मर्दों से ज़्यादा थी। रोज़मर्रा की गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। मिर्ज़ा की माँ बहुत मसरूर थी, शायद वो सोच रही थी कि अब मिर्ज़ा दोबारा काम पर जाने लगेंगे और सियासी सरगर्मी से दस्तबरदार हो जाएंगी। मेहमान के सामने तीसरी बार मिठाइयाँ पेश की जा रही थी। मिठाई और चाय के अलावा फल भी मौजूद थे। दोनों कमरों में चराग जल रहे थे। दुल्हन मामूली कपड़े पहने हुए लेकिन बहुत मुतमईन और बेइंतहा खुश हजलय रसू में बैठी थी। फातिमा जब भी कमरे में रखे मामूली असासे पर निगाह डालती तो उससे मिर्ज़ा का ये जुमला याद आ जाता, मैं खुद इन बातों का जवाब हूँ, और फातिमा मुतमईन हो जाती। या अल्लाह, अली आका की सदा आई और ख़वातीन संभल कर बैठ गईं। चादर फिर से सही की जाने लगी। पहले अली आका और फिर अब्दुल्ला कमरे में दाखिल हुए। मिर्ज़ा पहले थोड़े रुके, फिर कमरे में दाखिल हुए। औरतों ने दुल्हन के दोनों जानिब जगह छोड़ दी, वो लोग बैठ गए। आका अब्दुल्ला ने खुतबा अब्द पढ़ने से पहले मिर्ज़ा के मुतमईन चेहरे की जानिब गौर से देखा और उस रात के मिर्ज़ा याद आ गए जब वो नहजुल बलागा से मुत्तकीन की सिफात बयान कर रहे थे, तो मिर्ज़ा का चेहरा खौफ, हैरानी और इज़्तिराब व बेचैनी की आमाजगा बन गया था। आका अब्दुल्ला के लिए ये शादी एक ख्वाब थी। वो ऐसे महसूस कर रहे थे कि मिर्ज़ा से उनकी मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई है। इस दूल्हे और दुल्हन का मुस्तकबिल कैसा होगा, ये एक सवाल था। दूल्हा जिसके सुनहरे बाल जमाने की सख्तियाँ सहते सहते अपनी चमक खो बैठे थे, 2 साल पहले अपने नौजवान दोस्तों के साथ उनकी तर्ज मजाक और शौकियों में नुमाया तब्दीली आ गई थी। आज जब वो अब्द के लिए हाजिर हुए तो इस आज़ाद मंश के कंधे मजीद जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए आमादा दुख रहे थे। संजीदगी ने आंखों में पाई जाने वाली शौकी छीन ली थी। हमेशा मुतमईन नजर आने वाला यह शख्स आज मुस्तकिम नजर आ रहा था। बिस्मिल्लाह कीजिए। अब्द होते ही औरतों में खुशी का गलगला उठा। माँ ने मिठाई का बर्तन इब्राहिम को दिया
ताकि वो अपने भाई के अब्द की मिठाई तकसीम करें। मिर्जा वहां से उठकर शहर में मर्दों के दरमियान चले आए। माँ ने स्पंद के धुएं से कमरा भर दिया था। दूसरे कमरे में फातिमा का जहेज रखा गया था। एक कालीन जो उसने अपनी बहन के मदरसे में बुना था, ये वाहिद ऐसा कालीन था जो घर में तैयार किया गया लेकिन फरोख्त तो नहीं किया गया। थोड़ा बहुत बर्तन, कुछ चादरें और गद्दे और एक अलमारी और मामूली किस्म की दूसरी चीज़ें और सल्तनत बेगम को अपना दामाद जो खुद के खरीदे हुए सफ़ेद शर्ट और पैंट में मलबूस था बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने मिर्ज़ा की पेशानी का बोसा लिया और कहा, मैं तुम दोनों को खुदा के हवाले करती हूँ। मिर्ज़ा जब शहर में पहुँचे तो दोनों भाइयों ने बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। मोहम्मद उस वक्त सोच रहे थे कि क्या अब मिर्ज़ा अपनी सियासी सरगर्मी से बाहर आ जाएंगे। शादी के वक्त मिर्ज़ा की उम्र 19 साल हो चुकी थी। आका के ऐलानात। अजान की आवाज़ सुनते ही मिर्ज़ा ने आस्तीनों को ऊपर चढ़ाया और हौज की तरफ चल पड़े। ठीक उसी वक्त अमीर कारखाने में दाखिल हुए। अमीर बड़ी अजलत में लग रहे थे। उनके चेहरे पर मौजूद परेशानी के आसार देखकर मिर्ज़ा का फिक्रमंद होना लाजमी था। क्या बात है? अमीर और उनके दूसरे साथियों को उन्होंने हिदायत दे रखी थी कि उनसे मुलाकात के लिए कारखाने में ना आया करें। अमीर तो खुद ही दूसरों को ऐसी गलती से दूर रखने की कोशिश करते हैं। आगा अब्दुल्लाह ने उन्हें खालिस खास तौर पर आगाह किया था कि मस्जिद के अलावा वो लोग कहीं यकजा ना हों। जब से आका के ऐलानात वाले इश्तहारात की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, सिर्फ मस्जिद में ही इस मौजू पर बात होती। इस काम को पूरी राजदारी से अंजाम देना ज़रूरी था। कब कहाँ सावाक के आदमी सादा लिबास में मौजूद हों क्या मालूम। अभी परसों जो इश्तहारात अमीर के सुपुर्द किए थे ताकि वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में साथियों तक पहुँचाएँ, सुना है कि सिलसिले में कोई मसला पेश आ गया था। पता नहीं उसमें कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ। ये भी हो सकता है कि अमीर ने वो इश्तहारात खुद ही गायब कर दिए हों। वो सोच रहे थे कि आका अब्दुल्लाह को क्या जवाब देंगे। अभी 2 महीने पहले उनसे मुलाकात हुई थी और चंद ही दिन गुजरे थे कि उन्हें हम लोगों पर एतमाद हो सका था। उन्होंने इश्तहारात के सिलसिले में खास तवज्जो देने पर पड़ी उन्होंने इश्तहारात के सिलसिले में खास तवज्जो देने पर बड़ी ताकीद की थी। साथ ही ये भी कहा था कि हमारा रवैया और मुआशरत में फ़र्क नहीं आना चाहिए। सब अपने अपने कामों पर पहले की तरह मशगूल रहें ताकि किसी को शक न हो। फिलहाल आका के लिए जो काम भी किया जाता है सही और पोशीदा तौर पर ही अंजाम देना है। उस वक्त तक मिर्ज़ा के 7 अफराद थे जिन पर बड़ी गहरी निगाह रखने के बाद मिर्ज़ा ने एतमाद किया था और अब वो आका अब्दुल्लाह के तवस्सुत से आका के लिए कुछ कर सकते थे। आका अब्दुल्लाह ने मिर्ज़ा से एक आदमी का तारुफ कराया था और ये तय हुआ था कि वो कूचे मुर्गीहा के आसपास मिर्ज़ा से मुलाकात करेगा और वहीं इश्तहारात मिर्ज़ा के सुपुर्द किए जाएंगे। आज से 2 रोज़ कबल वो शख्स मुअय्यन जगह पर मिला था और मिर्ज़ा को एक पैकेट थमाकर बड़ी तेज़ी से मौलवी रोड बाजार के मजमे में गायब हो गया था और इस तरह मिर्ज़ा इंकलाब की तहरीक से जुड़ गए। लेकिन ये बात अभी उनके रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से भी पोशीदा थी। मिर्ज़ा बखूबी वाकिफ थे कि ये काम नहायत खतरों भरा है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क और दीन के लिए कुछ कर गुजरने की ठान ही ली थी। अमीर की सांस तेजी से चल रही थी। मिर्ज़ा मुजस्सिम सवाल बने उनके सामने खड़े थे। कारखाने में उस वक्त सन्नाटा हो गया था। मशीनें खामोश थीं और बकिया कारीगर खाना खाने के लिए मशरी अकबर के चाय खाने पर चले गए थे। अमीर सांसों पर काबू पाते ही बोले, मोहल्ले में कुछ मशकूक लोगों की आमदोरफ्त है। कुछ अफराद मस्जिद गुलशन और अतराफ की गलियों में टहल रहे हैं जिनकी ज़ाहरी वजह और कथा से उनका सावाकी होना बैध नहीं लगता। इश्तहारात का क्या किया? वो तो घर पर है, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो होशिंग घर पर मौजूद था। मुझे और पैकेट को बड़ी अजीब निगाहों से देख रहा था। लगता है भाग गया है। मैंने वो इश्तहारात फिलहाल तहखाने में छुपा दिए हैं। जब मैंने देखा कि होशिंग कुछ पूछने पर आमादा लग रहा है तो मैंने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। फिर शहर में पड़े फुटबॉल को इस तरह से मारा कि वो तहखाने में चला गया। गेंद वापस लाने के बहाने तेजी से अंदर गया और इश्तहारात एक जगह छुपा दिया।
मिर्जा बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। मिर्जा को मुतबस्सिम देखकर अमीर की घबराहट कम हो गई। उन्होंने भी वजू करने के लिए आसीनों को ऊपर चढ़ाना शुरू किया, लेकिन मिर्जा ने फौरन उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, मस्जिद गुलशन जाओ और नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ कुरान पढ़ते रहना, अपने घर के अतराफ भी ना जाना। अगर साथियों में से किसी से मुलाकात हो जाए तो उनसे कहना कि रोजाना की तरह अपनी मस्जिद में ही नमाज पढ़ें। शिकाकी से कहना कि घर पर ही रुका रहे। आकाकार रिसाला कहाँ है? आकाकार रिसाला कहाँ है? ये सिर्फ उसे मालूम है। हुसैन के साथ खुश अखलाकी का मुजाहरा करते रहो। मुझे उम्मीद नहीं है कि उसने मुखबरी की हो। अभी तो ये भी नहीं मालूम कि सावाब ने क्यों मोहल्ला घेर रखा है। ये कहकर मिर्जा नमाज में मशगूल हो गए। नमाज में मिर्जा का खुशू काबिले दीद हुआ करता था। बारगाह खुदा में खड़े होने के बाद वो सब कुछ भूल जाते। मिर्जा का ये अंदाज जमीर को उनकी अताअत करने पर मजबूर कर देता था, साथ ही तेजी के साथ फैसला करने की सलाहियत और बदलते हुए हालात का इत्मीनान और खुद एतमादी के साथ बेहतरीन मुकाबला करने की काबिलियत ने ही मिर्जा को अपने साथियों में मुमताज दर्जा अता किया था। पीकर ही क्या, उनके मोहल्ले के दोस्त भी कभी ये अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि मिर्जा का अगला कदम क्या होगा। अमीर जा चुके थे और कारखाने में काम करने वाले खाना खाने के बाद बुलंद आवाज में बातें करते हुए लौट रहे थे। मिर्जा को नमाज में मशगूल देखकर सबने चुप साध ली। ये सब मिर्जा का एहतराम करते, अक्सर उनकी मोहब्बत और बात उनके खौफ से कारीगरों के पीछे ही एक शख्स और कारखाने में दाखिल हुआ। देखने में 45 साल का लगने वाला ये शख्स दाढ़ी और ज़ाहरी वजह कता से मजहबी आदमी लग रहा था। इधर उधर देखे बगैर वो तेजी से तैयार शुदा गद्दों के स्टाक की तरफ बढ़ता चला गया। उसका अंदाजा बता रहा था कि जल्दी में है। आगा मिर्जा, उसने आवाज दी, मेरे गद्दे कहाँ हैं? मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरे नमाज पढ़ रहे हैं। अहद ने जवाब दिया, कहाँ? अहद ने हाल के एक गुस्से की तरफ इशारा किया, वो है। उस शख्स अजीब निगाहों से मिर्जा को देखने लगा। न जाने वो क्या सोचने लगा था। उसके चेहरे पर ऐसे आसार नुमाया थे जैसे वो किसी कशमकश में मुब्तला हो गया है। मिर्जा से कुछ कहना चाहता है लेकिन झिझक रहा है। मिर्जा की नमाज खत्म हो चुकी थी। वो मिर्जा के पास पहुंचा, एक बार अतराफ में निगाहें की, सिर्फ अहद वहाँ मौजूद था। नमाज के लिए मस्जिद क्यों नहीं जाते? काम कुछ ज्यादा है, कई आर्डर पूरे करने हैं। उस शख्स ने एक बार फिर अतराफ पर निगाह डाली और झुककर आहिस्ता से बोला, मुझे जहाँ तक मालूम है यहूदी की मिलकियत में नमाज पढ़ना सही नहीं है। मिर्जा ने मुतहय्यराना अंदाज में उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों से उस्तराब और बेयकीनी मतरशे थी। क्या पीकर यहूदी है? वो आज तक एक यहूदी के लिए काम करते रहे हैं? उन्हें गोया अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज तक किसी ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि पीकर यहूदी है? आज तक वो पीकर को सिर्फ एक मेहनती ताजिर की शक्ल में देखते आए थे। मिर्जा ने आका अब्दुल्ला से यहूदियों की बैनुल अक़वामी साजिशों और उनके इस्तेमारी मनसूबों के बारे में तफसील से सुन रखा था। उनका जहन तेजी से पीकर के मुख्तलिफ सरगर्मियों को माने पहनाने की कोशिश कर रहा था। पीकर का सारा वहम और गम पैसा कमाना था, अगर जो उसमें कुछ मजबूत खसलतें भी पाई जाती थी। मिर्जा सब झुकाए सोचते रहे। मिर्जा के जहन एक बार मोहल्ले का मुहासरा किए हुए सवारियों की तरफ चला गया। उन्हें घर पहुंचना भी जरूरी था। अब इस नई इतला के बाद वो सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या अच्छी खासी दरामद वाले इस काम को छोड़ दें या क्या यहूदी के यहाँ काम करना सही है। मिर्जा ने कारखाने की वर्दी उतार कर अपना लिबास पहना। ओहद को आने वाले शख्स के गद्दों के बारे में हिदायत देते हुए कारखाने से बाहर निकल आया। पीकर की निगाह उन पर पड़ी। दफ्तर से निकल कर तेजी से उनके करीब आया और बोला, कहाँ मिर्जा? मेरी माँ तो दिल की मरीज है, उन्हें अस्पताल पहुँचाना है, मिर्जा ने आहिस्ता से कहा था। वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद माँ की बीमारी से आगाह हो। पीकर उनकी माँ की बीमारी से वाकिफ था, बगैर कुछ कहे वापस अपने कमरे की तरफ चल दिया। मिर्जा ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। पुरानी मोटरसाइकिल उन्होंने किस्तों पर खरीद रखी थी, जाहिरन तो कबाड़ ही थी लगती थी, लेकिन काम चल ही जाता। थोड़ी देर बाद ही मिर्जा घर पर जा पहुंचे। मिर्जा ने दखल बात किया। जीनत आलम ने दरवाजा खोला था
मिर्जा ने सहन में मोटरसाइकिल खड़ी की और सीधे माँ के पास जाने लगी। जीनत खानम बोली, 2 घंटे से साबा की घर घर की तलाशी ले रहे हैं, खुदा ही रहम करे। मिर्जा, आपसे तो कोई हरकत सरगर नहीं हुई है। क्यों, आज तो मैं दिन भर कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ था। आज मैंने कम से कम 50 गद्दे तैयार किए हैं। खुदा जाने आप क्या करते फिरते हैं, आखिरकार एक दिन हम लोगों की जिंदगी आप बर्बाद करेंगे। मिर्जा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए, कुछ ना बोले, जिस पर जीनत खानम मजीद चढ़ा पाक हो गई। ये मजाक का वक्त नहीं है, उनकी आवाज़ काफ़ी तेज हो गई थी। हुसैन भी अपने कमरे से निकल आया और ठीक मिर्जा के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो आपसे ज़्यादा कवि या साहब का मालिक हो। आप जानते हैं मैं एक फौजी हूँ, अगर ये घर शक के दायरे में आ गया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊँगा। आखिर आप क्या चाहते हैं, हम लोगों का ख्याल क्यों नहीं करते। हुसैन का लहजा तेज होता चला गया था, लेकिन मिर्जा की नम निगाहों के सामने एक बार फिर ठंडा पड़ गया। हमेशा यही होता, वो जब भी मिर्जा से हतमी फैसला करने के इरादे से सामने आता, मिर्जा की मोहब्बत आमेज और इत्मीनान से झुकी नजरें उसे गोया अपनी असीर बना लेती और वो मिर्जा की मासूम और पुरसकून निगाहों के सामने बिदस्त पा हो जाता। उसके सारे इरादे ठंडे पड़ जाते और तने हुए अहसाब ठीले पड़ जाते। फिर उसमें हिम्मत ना होती कि मिर्जा पर आवाज बुलंद कर सके। अगर जो उसके अकीदे के मुताबिक मिर्जा का ताल्लुक यकीनन आशु बर्पा करने वालों में से था। 2 घंटे से पुलिस ने मोहल्ले को घेर रखा था। आज ही किया, उससे पहले भी हुसैन ने कई बार इरादा किया कि साबाक वालों को मिर्जा और शकाकी की सरगर्मियों से आगाह कर दे, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि आखिर क्यों अपने इरादे को अमली जामा नहीं पहना पाता। शकाकी भी सहन में निकल आया था, मिर्जा से मुखातिब हुआ और बोला, आज इतनी पहले ही क्यों चले आए। मिर्जा समझ गए कि शकाकी ने बात को बदलने के लिए यह सवाल किया है। बोले, मेरे सर में दर्द है, आराम करना चाहता था, लेकिन आते ही जनाब आली के एताब का शिकार हो रहा हूँ। मिर्जा ने हुसैन की तरफ इशारा किया था। तभी चंद दौड़ते कदमों की आवाज आई जो करीब होती जा रही थी। मिर्जा और शकाकी तेजी के साथ तहखाने में चले गए। हुसैन वहीं खड़ा देखता रहा। दरवाजा पीटने की आवाज के साथ साथ पुलिस वालों की आवाज आई जो फौरन ना खोलने पर दरवाजा तोड़ देने की धमकी दे रहे थे। जीनत खानम ने कांपते हुए हाथों से फौरन दरवाजा खोल दिया। 2 सादा लबास वाले पुलिस वाले तेजी से घर में दाखिल हुए। हुसैन खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, सलाम, क्या बात है सर, हम घर की तलाशी लेने आए हैं। मैं एक फौजी हूँ। पुलिस वालों ने एक बार हुसैन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उससे शनाख्ती कार्ड तलब किया। हुसैन ने फौरन अपना शनाख्ती कार्ड उनकी तरफ बढ़ाया। एक पुलिस वाला उसके कार्ड को देख रहा था और दूसरे ने इर्द गिर्द पर निगाहें डालनी शुरू कर दी। दालान के एक कोने में शाह की तस्वीर का एक पुराना फ्रेम लगा था। उस पर निगाह पड़ते ही वह बोला, अगर तकलीफ कारों में से कोई इधर आ जाए तो आप उन्हें फौरन गिरफ्तार करके हमें इत्तला दीजिए। हम काफ़ी देर से उनका ताकुब कर रहे हैं, शायद किसी घर में छुप गए हों। होशियार रहेगा, आपसे मदद की पूरी उम्मीद है। आप लोग मुतमईन रहिए, ये तो हमारा वजीफा है। दोनों पुलिस वाले घर से चले गए तो जीनत खानम की रुकी हुई सांसें चलने लगी। मिर्जा भी तहखाने से बाहर निकल आए थे। हुसैन उन्हें अजीब निगाहों से देख रहा था। मिर्जा ने शुक्रिया के बजाय सुकूत अख्तियार करने में आफियत समझी। पूरे मोहल्ले में हड़पंग मची हुई थी। मोहल्ले के आखिर में मौलवी रोड से मुतसिल गली के एक घर को पुलिस ने पूरी तरह घेर रखा था। सूरज गरूब होने वाला था। मिर्जा घर से निकले, वो ये जानने के लिए बेचैन थे कि साबा किसकी तलाश में है। एक गली के मोड़ पर मोहल्ले के कुछ अपराध चाहे गुंजा कर रहे थे। मिर्जा उन्हीं की तरफ चल दिए। पुलिस वाले अब भी उस घर को अपने मुहासरे में लिए हुए थे। ये घर मिर्जा के लिए जाना पहचाना था, यानी उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। फिर हम लोगों का क्या होगा, अगर उनसे हमारा रابطے का पता सावाक को चल गया तो फिर हम लोगों का बचना भी नामुमकिन होगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था आका अब्दुल्लाह के घर का मुहासरा। फिर मिर्जा ने सोचा शायद कोई गलत फहमी हुई है। मिर्जा अपने दिल को बहलाना चाह रहे थे, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने देखा कि चंद पुलिस वाले आका अब्दुल्लाह को घेरे हुए आगे बढ़ने के लिए बार बार धक्का दे रहे हैं, लेकिन मिर्जा को आका अब्दुल्लाह के चेहरे पर उस तरह की कोई निशानी नजर ना आई।
वे बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ रहे थे। मिर्जा ने ऐसे हालात में भी आका अब्दुल्ला से एक सबक सीखा। जिस वक्त आका अब्दुल्ला लोगों के पास से गुजर रहे थे, वो किसी पर निगाह नहीं कर रहे थे कि कहीं साबाक वाले उस शख्स को अपने शक के दायरे में ना ले लें। मिर्जा ने बड़ी मशक्कत से खुद को काबू में रखा। उनके जहन में मुतअद्दिद सवालात थे। क्या एक दिन उनका अंजाम भी आका अब्दुल्ला की तरह होगा? बहरहाल आका अब्दुल्ला के बाद भी वो आका के बयानात को इश्तिहार की सूरत में लोगों तक पहुंचा सकती थी, लेकिन उन्हें ये खौफ था कि अब साबाक वाले कभी भी उन तक पहुंच सकते हैं। आका अब्दुल्ला की अमानत अब भी मिर्जा के पास थी, जिसे देने से पहले उन्होंने कहा था, अभी वो वक्त नहीं आया कि आका की तौदीकी मसाइल तुम अपने पास रखो। लेकिन मिर्जा के असरार ने उन्हें मजबूर किया था। मिर्जा हर रोज उसका मतलब करते। किताब की सत्रों के दरमियान वो आका की तस्वीर तलाश करते। उनके दिल में ये तमन्ना बार बार मचलती और वो सोचते कि क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब वो आका को नज़दीक से देख सकेंगे।